नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और मैं आप लोगों को लेके आया हूँ चमेली पार्क घूमने के लिए। तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और पार्क में घूमना हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ पे शुद्ध वातावरण, नेचुरल हवाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ बहुत से सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए लोगों से मिलना होता है। अभी इवनिंग टाइम है, दोपहर का 1 बज रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे लोग आराम से आके टाइम पास कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको घुमाता हूँ, उसके बाद मैं बीच में दिखाऊंगा। मेरा फ्रंट कैमरा सही नहीं होने के कारण मैं आपको फेस नहीं दिखा सकता, वैसे बैकग्राउंड कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या है। और सच में दोस्तों होता है ना कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, या घर पे बैठे हुए बोर होते रहते हैं, या किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं। तो मैं सबसे बेटर ये समझूंगा कि आप लोग थोड़ा से घर से बाहर निकलिए और नई नई जगहों पे जाइए, माइंड फ्रेश करिए। चाहे आप शहर में हैं या गांव में हैं, तो आपके आसपास में बहुत से ऐसी जगह होंगी जहां पे आप अकेले वक्त बिता सकते हैं जाके। तो प्लीज़ डिप्रेसड होने से बेटर है कि हम लोग अगर टेंशन में हैं तो किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे खुला सा हो और पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, ऐसी जगहों पे घूमें। तो पहले मैं आपको पूरा राउंड घुमा देता हूँ कि कितना इसका चक्कर है। लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी आते हैं, ये मॉर्निंग में सुबह खुल जाता है और इवनिंग टाइम 3 PM ऑफ कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ गंदे लोग भी आने का, गंदे लोगों को आने का डर रहता है, इस वजह से इसको ऑफ कर दिया जाता है। मैं तो प्रॉपर आता रहता हूँ वैसे तो, बट मेरे मन में आज ख्याल आया कि मैं क्यों ना आप लोगों को भी जगह के बारे में दिखाऊँ। अगर आप भी न्यू दिल्ली रघुवीर नगर गांव वाला चौक के आसपास आते हैं कभी, तो चमेली पार्क भी घूमना, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है। और भी पार्क हैं यहाँ पे नज़दीक में, वैसे मेरे ख्याल से तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा, और भी बड़े पार्क हैं। तो अभी तो मैं आपका ये वीडियो इस पार्क के लिए ही बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, आप अच्छे से घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ठीक है, बैठने की भी बहुत सारी जगह हैं,
चेयर्स वगैरह बनाई गई हैं, टेबल्स वगैरह बैठ के घूम सकते हैं। ये मॉर्निंग वॉक के लिए बनाया गया है, नंगे पांव हम लोग इस पे चल सकते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फिटनेस रहेगा, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं अभी बस कुछ ही देर में जहाँ से चला था मेन गेट से पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा राउंड घुमा रहा हूँ, उसके बाद में बीच में दिखाता हूँ बीच का क्या है, ठीक है। अभी सर्दियों का मौसम जा चुका है, गर्मी आ रही है धीरे धीरे, तो लोग इवनिंग टाइम में ही आएंगे क्योंकि टाइमिंग हो सकता है चेंज हो, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मैं अभी नया ही हूँ, ओनली 3 मंथ्स हुआ है मेरे को दिल्ली आए हुए, और 3 मंथ से नहीं, फिर भी 2 मंथ से तो मैं यहाँ ही हूँ और आता रहता हूँ ऐसे अक्सर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेन गेट के पास और मैं आपको अब दिखाता हूँ बीच से क्या है। तो हेलो दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ये जो है ये ओनली लेडीज़ पर्सन के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ सुबह मॉर्निंग में आती हैं गर्ल्स, आंटियाँ, ये लोग आके यहाँ पे घूमते हैं, वॉक करते हैं। ये रहा बॉयज़, यंगस्टर लोग आते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए भाई लोग फ्री, अभी शायद ड्यूटी से शायद छुट्टी हों या आज ना गए हों, आके अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए तिरंगा भी लगा है ऊपर, देखो कैसे लहरा रहा है। और ये गोल चक्कर, यहाँ से हर जगह को मुड़ सकते हैं जिस दिशा में जाना चाहें, ठीक है। ये देखो अभी वहाँ पे वो देखो कुछ दूर पे लड़के लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम। वो लास्ट छोर है जहाँ से हम अभी निकले हैं, और ये फिर वहीं पे आ रहा हूँ मैं जहाँ पे आपको दिखाया था। छोटे छोटे पत्थर्स लगे हैं, मॉर्निंग में ठंडियों में चलना इस पे बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन चलते हैं लोग और बड़ा मज़ा भी आता है। तो आइए चलते हैं इस पे अभी अभी, ठीक है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये हमारी एड़ियों के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है, खून का सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो अच्छा चलता है। तो सच में ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़ आप लोग ऐसी ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें। इस वीडियो से मेरा कोई वो नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आपको खुश करना है, आप वीडियो देखिए और थोड़ा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा करते हैं
आप लोग खुश होंगे वीडियो से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।